हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल चेक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बड़ा चर्चा हो रहा है और हमारा दोनों का फेवरेट है रेलवे, और रेलवे की एक नई ट्रेन जिसकी जर्नी दिखा रहे हैं 200 जर्नी डोलेश, और उनके जो व्लॉग होते हैं आपको पता ही कितने अच्छे होते हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब, और वीडियो के पे जाने से पहले जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है भारत गौरव एसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन जर्नी। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। और हमारे संग हमारे रेलवे मिनिस्टर सर मौजूद हैं। हाँ, रेलवे मिनिस्टर का। अच्छा, देखिए रेलवे मिनिस्टर भी साथ साथ होते हैं। फर्स्ट जर्नी होगी ना, इसलिए स्टेज तैयार, ट्रेन तैयार, डिग्निटरीज तैयार, लेट द शो बिगिन। नई ट्रेन जो है ना मुतारिफ करवाई जा रही है। सबसे पहले मेरे साथ बोलिए तो सही, जय जय गरवी गुजरात, एक पोयम जिसको लिखा गया था बाय गुजराती पोयम इन 1873। अच्छा। जिसका मतलब होता है विक्ट्री टू प्राउड गुजरात। आज ये भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वेब सीरीज गुजरात, और ये है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन गरवी गुजरात, 7 नाइट 8 डेज की ट्रिप। और यहाँ से आपके लिए एक और वेब सीरीज, आज की डेट ऑफ जर्नी 28 फरवरी। शुरू करें, देखिए आपको स्टाइल बता दें, कमॉन हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के साथ। पूरी सीरीज देखिएगा, 7 नाइट्स 8 डेज आपके लिए, एवरी डे व्लॉग्स कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ, आगे की पूरी तैयारी चल रही है। चलिए धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। आपके लिए एक और वेब सीरीज, पूरी सीरीज देखिएगा आपके लिए धमाल। सबको जाना वो एक ये सीन आपको दिखाना बनता है। पैसेंजर्स यहाँ से वॉक इन करते हैं, अगर आप देखोगे वहाँ पर सब वेलकम किट पूरी वहाँ रखी गई है, और पैसेंजर्स यहाँ पर आते हैं। और आप देखिए जो हमारे साथ जितने भी पैसेंजर्स हैं जो इस भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं, वो देखिए ये सब पैसेंजर्स यहाँ पर आकर अभी बैठ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इवेंट होगा, आप पीछे देखोगे तो वहाँ पर सब डांस वगैरह हो रहा है, पैसेंजर्स आना स्टार्ट हो गए। देखिए और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा IRCTC रेलवे स्टाफ है, वहाँ पर एक छोटा सा इवेंट होने वाला है जहाँ पर हमारे रेलवे मिनिस्टर सर आएंगे, कुछ टूरिज्म मिनिस्टर भी बता रहे हैं, वो सब आने वाले हैं। यहाँ पर हमारी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पूरी भारत गौरव ट्रेन खड़ी हुई है, और इस तरह थोड़ा सा आपको और यहाँ पर अभी इवेंट, अभी तो क्या थोड़ा सा टाइम है, तो यहाँ पर इवेंट थोड़ी देर में यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। बट अगर आप देखोगे धीरे धीरे पैसेंजर्स आने लगे हैं, आपको रामायण एक्सप्रेस का पता ही है, टूरिस्ट ट्रेन का यही मज़ा है। जब आप ट्रैवल करते हैं आप नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, जैसे मैंने रामायण एक्सप्रेस में बनाए थे। आई एम श्योर आपके मन में अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भैया इस भारत गौरव एसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन में ट्रैवल करने का पैसा कॉस्टिंग कितना। तो हमारे साथ मिस्टर अच्युत सिंह सर मौजूद हैं जो बुकिंग का सब हैंडल करते हैं। सर, आपसे ज़रा कमर्शियल्स का जानना चाहेंगे, जो पैसेंजर्स ट्रैवल प्लान बना रहे हैं इस वाली ट्रेन में गरवी गुजरात में, तो उसका कॉस्ट कितना लगता है? देखिए इसमें तीन कैटेगरी है जी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी केबिन और फर्स्ट एसी कूपे जी। तो जो सेकंड एसी है उसका ऑल इंक्लूसिव पैकेज 52,000 का है जी, फर्स्ट एसी के केबिन का ऑल इंक्लूसिव पैकेज 67,000 पर पर्सन का है जी। और अगर कोई फर्स्ट एसी के कूपे में ट्रैवल करना चाहता है तो उसका जो पैकेज प्राइस है वो 77,000 पर पर्सन है, और ये प्राइस ऑल इंक्लूसिव है, मतलब इसमें ट्रेन जर्नी के अलावा ट्रेन का खाना पीना, घूमना, होटल, बसेस, everything. मतलब सर इन शॉर्ट एक बार आप यहाँ पर आ गए आपकी जेब से एक रुपया खर्च नहीं हो जी, बिल्कुल बिल्कुल, वापस आने तक जी बिल्कुल। जो आप अपनी शॉपिंग करेंगे वो बात अलग है। तो ध्यान रखिए भारत गौरव एसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। आप सर लोग पूछ रहे होंगे मैंने कितना दिया, हम पर सर का आशीर्वाद है 33,000। आप मान लीजिए हमको टिकट दी गई है कॉम्प्लीमेंट्री, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच सर। बाकी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टिकट बुक कीजिए और अच्युत सिंह सर से मिलिएगा जरूर, बिकॉज बुकिंग्स वाला सर आप हैंडल करते हैं जी जी। और सर राइट नाउ कमर्शियली जानना चाहेंगे ऑन बोर्ड सर करीब कितने पैसेंजर? लगभग 80 आप सर। सेकंड एसी में कितने? सेकंड एसी में है 58, और फर्स्ट एसी में
फर्स्ट एसी में कम है, सेकंड एसी में ज़्यादा है। सेकंड एसी में बुकिंग ज़्यादा है। और सर ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं, यंगस्टर्स भी हैं? मिक्स है, लेकिन सीनियर सिटीजन ज़्यादा है। बट सर इस वाली में दोनों ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ बराबर, अगर बुक करना चाहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने रामायण एक्सप्रेस में देखा था। जी बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल सेफ। मैं आपको बता दूँ सर से मैं रामायण एक्सप्रेस में मिला था, दिव्य काशी में भी मिला था, और सर गरवी गुजरात में भी आपसे मुलाकात। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सफदरजंग के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर वहाँ चल रहा है पूरा सेलिब्रेशन। आपको आगे का दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखोगे पूरी ट्रेन को देखिए क्या बिल्कुल सजाया गया है। इवन लोगों को देखिए क्या सजाया गया है। लोगों आपको दिखा दूँ, दिस इज वेब 5 गाजियाबाद का। अब आगे देखिएगा, ना जाने कितनी जगह लोको चेंज होगा, लोको पायलट चेंज होंगे, डिवीजन चेंज होंगे। कोशिश करेंगे आपको जितना भी आगे दिखा पाए, पूरी मीडिया आप देख सकते हो। और बिकॉज यहाँ पे ये जो ट्रेन है इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा बाय द रेलवे मिनिस्टर। अच्छा। तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह पूरा आप देखिए, पूरा रेलवे स्टाफ करंटली यहाँ पर। और ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब ये बता रहे हैं लगभग 85 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है करंटली। अब ये बता रहे हैं, अब आगे देखेंगे नंबर्स वगैरह वेरीफाई करेंगे। बट आप ये देखिए इवन लोगों को क्या सजाया गया है। और जो डिपार्चर टाइम ऑफिशियली बताया गया है वो है 5:30 का। करंटली कुछ 4:30 बज रहे हैं, तो बहुत टाइम है, 1 घंटा बचा है। पूरा डिपार्चर वगैरह आपको पूरा दिखाएंगे। रिमेंबर पूरी वेब सीरीज देखिएगा, और इस वेब सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे जैसे व्लॉग्स में अपलोड करते जाऊँगा सब व्लॉग्स आप देख लीजिए। सिक्योरिटी देखिए, RPF देखिए, लाजवाब। ये है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से ट्रैवल करने का मज़ा। अब बात करते हैं आइटनरी की, 7 nights 8 days। तो मैं आपको बता दूँ हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, वडोदरा हो गया, सोमनाथ, द्वारिका, अहमदाबाद, एंड देर आर मैनी मोर प्लेसेस। आप बस ये पूरी सीरीज देखते जाइएगा, एवरी डे हम कहाँ कहाँ जाने पूरा आपको बताया जाएगा। ये देखो इन्होंने ये पैम्पलेट दिया है, पूरी पूरी आइटनरी वगैरह यहाँ पर दी जा रही है, सब इसमें कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। बट ये कहना पड़ेगा, आप प्लानिंग देखिए, पैसेंजर्स आ रहे हैं, अपना अपना कोच बोर्ड कर रहे हैं, सेकेंड एसी या फर्स्ट एसी बोर्ड कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ और लगने वाला है। वेलकम, एक बार रेलवे मिनिस्टर आ जाएँ, फिर वो भी आपको दिखाना है, और फिर यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार। वडोदरा, सोमनाथ, द्वारिका, अहमदाबाद, मोढ़ेरा, पतन, देखिएगा पूरी सीरीज आप देखिएगा। सर कह रहे थे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, बस फाइनली वो टाइम आ गया, हम निकालेंगे 7 nights गुजरात में। जोर से एक बार मेरे साथ बोलिए तो सही, जय जय गरवी गुजरात, स्टेज तैयार, ट्रेन तैयार, डिग्निटरीज तैयार, लेट द शो बिगिन। यहाँ पर थोड़े टाइम में होंगे रेलवे मिनिस्टर, सब डिग्निटरीज यहाँ पर अवेलेबल होंगी। आपको बता दूँ 53 पैसेंजर्स आ चुके हैं। बट जब भी आप बुकिंग कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सफदरजंग से ही बोर्ड करना है, आप आगे स्टेशन से भी बोर्ड कर सकते हैं। करंट जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब डिटेल्स आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। बट प्लीज़ ध्यान रखिए, करंट आइटनरी और बाद की आइटनरी में डिफरेंस हो सकता है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। करंट वक्त 5:15 जो ट्रेन डिपार्ट होगी, जो मैंने आपको बताया 5:30, तो यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है रेलवे मिनिस्टर सर का। आई गेस एक बार रेलवे मिनिस्टर सर आ जाएं और यहाँ से सफ़रनामा शुरू होगा। स्टेज पे खड़े होकर व्लॉगिंग, अब तक मैं एंकरिंग करता था, आज मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, यही तो है। चलिए यार रेलवे मिनिस्टर सर आ जाएं और फिर चलते हैं टूवर्ड्स गुजरात, जिसे कहा जाता है द ज्वेल ऑफ द वेस्ट। और हमारे संग हमारे रेलवे मिनिस्टर सर मौजूद हैं। सर इट्स माय प्लेजर स्पीकिंग टू यू। सर आपसे गौरव टूरिस्ट भारत यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, पैसेंजर्स को इंडिया सर जो हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया उसके बारे में। सर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन दिया कि हमारी भारत की जो गौरवमयी संस्कृति है उसका अनुभव रेलवे के जरिए से हो, इसीलिए भारत गौरव सीरीज एक ट्रेन निकाली गई है, जिसमें रामायण एक्सप्रेस हुआ, ज्योतिर्लिंग एक्सप्रेस हुआ, फिर जगन्नाथ सिंह बना, और अब आज बहुत खुशी की बात है कि भारत गौरव की सीरीज में आज गरवी गुजरात, गुजरात की गौरवमयी सकाफती जो ड्रेस पहने हुए, उसका अनुभव लेने के लिए आज बहुत सारे यात्री आज निकल रहे हैं। बहुत बहुत सभी यात्रियों को मेरी शुभकामना और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। सर आपको जस्ट दिल से थैंक यू सर, रामायण एक्सप्रेस में भी था, दिव्य काशी भी, अच्छा लगा सर। अभी सर सर एक बार सिर्फ पैसेंजर्स को विशिंग हैप्पी गरवी गुजरात। सर पैसेंजर्स को विशिंग वेरी हैप्पी गरवी गुजरात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। जर्नी की स्टार्टिंग से पहले जो मैं जो मुझे मिला है दैट इज़ फर्स्ट एसी में कूपे। जल्दी से आपको एक छोटा सा टूर और दे दूँ। रैक बिल्कुल वही है जो रामायण एक्सप्रेस में यूज़ हुई थी, तो आपको लेके चलेंगे सबसे पहले अंदर। ये देखिएगा जैसा नॉर्मल इंडियन रेलवेज का फर्स्ट एसी का जो कोच रहता है बिल्कुल वैसा ही कोच है। खाली मैं आपको दिखा दूँ जो मुझे दिया है दैट इज़ ई।
जो मुझे दिया गया है, ये पूरे बॉक्स बनाया है, बॉक्स बनाया है, शीशे के दरवाजे, पूरा मेरा बड़ा, नेक्स्ट आप के लिए नेक्स्ट 7 नाइट्स 8 डेज के लिए बंदा सफर करेगा, मेरा होटल्स ऑन व्हील्स आप कह लीजिए, आप साथ में जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसमें होटल की भी जरूरत नहीं, पानी की बोतल दी है, ये मिरर हो गए, और इस तरफ ये लॉकर भी दिया गया है, लगेज अगर आप कैरी कर रहे हो नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे लगेज वगैरह सब रख सकते हो। ये देखो इन्होंने ऊपर की सीट ऑलरेडी खोल दी है, बिकॉज मेरे साथ कोई भी साथ में ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं सोलो ट्रैवल कर अच्छा, रहा हूँ, तो मुझे कूपे पूरा मेरे को दिया गया है। बताइए आपको और क्या क्या चाहिए, एक जगह ट्रेन जर्नी है वंदे भारत की राजधानी की, और एक जगह है एसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, जब भी आपको मौका मिले ध्यान रखिए, टिकट बुक कीजिए और निकल जाइएगा नाम से गाना एसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन का जो मज़ा है, और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का यही है कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करना, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करना। आप देख रहे हैं ना, दिस इज टोटली लग्जरियस। चलिए टाइम 6:30 फाइनली हमारी गर्वी गुजरात ट्रेन एसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन डिपार्ट हो रही है, आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट, ये है रेस्टोरेंट का खाना पीना, वो आगे आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। भाई साहब सफदरजंग से एक और वेब सीरीज की शुरुआत, एक और टूरिस्ट ट्रेन की काम चल रहा है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट देखिए, हो रही है देखिए, अंदर ऊपर कुछ बन रहा है, इधर ना वर्क चल रहा है, गुजरात में बहुत काम हो रहा है। हर जाविये से फोकस करते हैं ना। टाइम टू टाइम जाती गाड़ी अच्छा मेहमान नवाजी बहुत है ना, टूरिस्ट ट्रेन की जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, और मैं आपसे सच कह रहा हूँ, जब भी मैं इस रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कोच में आता हूँ मेरे को रामायण एक्सप्रेस की याद आ जाती है। अब बारी है कुछ स्नैक्स की, कह लीजिए एक कचौड़ी हो गई, ये समोसा, यहाँ पर ये आपकी सैंडविच, उसके साथ केक दिया गया है, प्लस टी कॉफी आप जो भी लेना चाहें, प्लीज ध्यान रखिए जो भी फूड वगैरह आप देख रहे हो सब कुछ टिकट में, एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी। आप देखिए अभी कोच देखोगे ना, एकदम लग्जरियस कोच, ये है रेलवे का कमाल, ये है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का कमाल। अभी तो आप आगे देखते जाइएगा, पूरी सीरीज देखिएगा, हर एवरीडे व्लॉग में अपलोड करने अच्छा। वाला 7 दिन के लिए गया तो 7 दिन के व्लॉग टाइम, आप देखिए जो फील आती है। और मैं बात कर रहा था कुछ पैसेंजर्स तो ऐसे हैं जो रामायण एक्सप्रेस में भी थे, उसमें भी है, कह रहे थे हमको पहला टूर इतना अच्छा लगा कि हम दूसरे टूर में वापस आए। अगर आप गर्वी गुजरात के लिए ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, और ट्रैवल कीजिए। दिस इज #, देखो अपना देश। फाइनली अब मैं अपने कूपे में आके बैठू, दो बंदों के लिए सीसीटीवी कैमरा प्लस डोर्स वगैरह प्रॉपर, दो ऊपर भी है ना, तीन चार का है, रोड चल रही है, बिकॉज टूरिस्ट ट्रेन से इतना ज्यादा आप पे करते हैं तो इसकी यहाँ पर गारंटी आप कह लीजिए, मतलब ध्यान पूरा ध्यान रखा जाता है। आप कमर्शियल स्टॉप्स तो खैर खाली एक दो आएंगे, कुछ पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे, तो फिलहाल ये वाली ट्रेन जाएगी नॉन स्टॉप। पूरा कूपे इन्होंने मुझे दे दिया, किसी के साथ ही मुझे शेयर नहीं करना, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सोलो। अगर आप देखोगे साफ सफाई प्लस टॉवल, पानी की बोतल वगैरह, लिनन वगैरह सब आप देख लीजिए,
इस बिल्कुल जहाज लग रहा है। साथ में एडिटिंग भी करता है बिकॉज आपके सामने वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करनी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आप ब्लॉग देखते जाइएगा बट कंटेंट को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए बिकॉज अब जो डोमेस्टिक टूरिज्म है हमें उसे प्रमोट करना है। और जैसा मैंने आपसे कहा, दिस इज देखो अपना देश, और जो ये टूरिस्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है आप देखिए। करवी गुजरात ने पकड़ी रफ्तार, बाहर तो खैर डाक, बाहर के नज़ारे आपको ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर वापस हम आए हैं रेस्टोरेंट कार में और यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म फ्रेश पेंट्री कार में बनाया हुआ डिनर आपके लिए। चपाती हो गई, सैलेड, राइस भी है। मैं बहुत लिमिटेड खा रहा हूँ बिकॉज आपको पता है बैक टू बैक ट्रैवल करना है, प्लस बैक टू बैक फूड। एक वेज मिक्स वेज सब्जी है, सूखी सब्जी, ये दाल हो गई। मिष्ठान में आप देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है रसगुल्ला, और आप ये देखोगे ये सब आप देखिए यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से रखते हैं। और आपने ये देखा रेलवे पानी की बॉटल, सुंदर लाजवाब तरीके से यहाँ पर रखी गई है। सब कुछ आपको यहाँ पर फ्रेश मिलेगा। जितने भी पैसेंजर्स हैं सब आए हैं यहाँ पर हमारे साथ, हमारे खास मेहमान मौजूद। यहाँ पर सूप चलता हुआ, पानी पे नजर नहीं लग जाए ना, डिनर चलता हुआ। डिनर यहाँ पर बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया गया था बट हम व्लॉगर्स हैं तो करंट वक्त 9:40, पूरे रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आप मान लीजिए, केबिन लगभग खाली, बट यहाँ पर अब करने आए हैं डिनर। माय फेवरेट पनीर की सब्जी। नेक्स्ट 7-8 डेज का आप देखिएगा फूड नामा, मतलब इतना खाना, अगर आप फूड ही है ना, दिस टूरिस्ट ट्रेन इज फॉर। अच्छा, ये लोग देर से आए ना डिनर। राइस, मिष्ठान और प्लस एकदम गर्मा गर्म दाल। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप गर्वी गुजरात बोर्ड कर रहे हैं पूरे टूर में सिर्फ और सिर्फ वेज सर्व किया जाएगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नॉन वेज कहीं भी, होटल हुआ, ऑन टूर मतलब मान लीजिए कहीं भी सर्व नहीं हो, तो इस बात का ध्यान रखिए। ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, वेज होगा सिर्फ। नहीं हो डे वन फिलहाल यही एंड होता है। डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ अब और कुछ करने के लिए है नहीं। ट्रेन जाएगी नॉन स्टॉप, थोड़े से हम लेट चल रहे हैं बट बिकॉज दिस इज टूरिस्ट ट्रेन एंड आई एम श्योर रेलवेज की तरफ से ऊपर से ऑर्डर है कि ट्रेन को अब निकाला जाएगा प्रायोरिटी पर, ठीक है ना। जितने भी बाकी पैसेंजर्स हैं लगभग सब सो चुके हैं, आगे कोशिश करेंगे सेकेंड एसी का भी आपको पूरा, जो कोच है सेकेंड एसी का उसका भी आपको टूर देना है, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देख लीजिए, पूरे कूपे में मैं अकेला हूँ, थोड़ा बहुत आराम करेंगे, सो जाएंगे, फिर कल सुबह देखते हैं। बट ये ज़रूर है भारत गौरव ट्रेन में, टूरिस्ट ट्रेन में आपको खाना तो इतना है आप मतलब खाते खाते थक जाएंगे, ठीक है। फिर कोई स्टेशन स्किप हो रहा, स्टेशन पे स्टेशन स्किप होंगे, ट्रेन जाएगी नॉन स्टॉप। ये ज़्यादा बताइए सब कृपा, जय जय गर्वी गुजरात, गर्वी गुजरात। थैंक यू दादा, हैं थैंक यू सो मच, हमारे साथ भी बुलाएंगे। अरे अरे बिल्कुल दादा, थैंक यू, आप इतनी हमारी सेवा कर रहे हैं दादा, थैंक यू सो मच। पूछने आए क्या सब कुछ, यही तो लोगों का प्यार है, यही तो टूरिस्ट ट्रेन है सच में। मतलब मैं जब भी आता हूँ ना, मुझे रामायण एक्सप्रेस दिव्य काशी की वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। रामायण एक्सप्रेस दादा यार कोई नहीं बुला सकता, मतलब आप सोचिए मुझे बार बार याद आती है तो आप लोग को कितनी याद आती होगी, ठीक है। मिलेंगे आपसे कल सुबह, फिलहाल के लिए गुड नाइट। अच्छा व्लॉग बनाया था, वो भी बहुत अच्छा था। दादा को भी पता है कि मैं दिल्ली का बजाऊंगा, मेरा मैं दिल्ली में आऊंगा।
है, कोई शादी हो, शादी हाल में हाँ बड़ा सेपरेट। अच्छा हमने अभी कुछ दिन पहले निहारी खाई थी, तो वहाँ रेस्टोरेंट या शादी हॉल 7:30 मैंने सोचा था शायद गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा, बट हमारी गरवी गुजरात को अगर आप देखोगे बिल्कुल बीच में से क्रॉस दिया जा रहा है। अहमदाबाद प्रीमियम ट्रेन एकदम हाईएस्ट लाउड हाईएस्ट प्रायोरिटी पर इस ट्रेन को निकाला जाएगा। और दिन की शुरुआत मैं तो ये मानिए मैं तो अपनी कॉफ़ी के साथ तैयार खड़ा था कि रुक जाए प्लेटफॉर्म पे और कॉफ़ी पियेंगे, बट खैर लाजवाब। अरे कोई बात नहीं दादा, बिस्किट, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। ये हो गया स्टेशन कोड हो गया ADI। कितने प्लेटफॉर्म? लगभग 12 प्लेटफॉर्म। क्या लाजवाब। भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन की Day 2 की शुरुआत हुई है। काश, बट मैं यही सोच रहा हूँ काश इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगाया गया होता ना, मजा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, बट दिन की शुरुआत लाजवाब। देखिए हमारी टूरिस्ट ट्रेन क्या दौड़ रही है, और अब हम हैं गरवी गुजरात में, और यहाँ पर एकदम गर्मा गर्म ताज़ा फ्रेश हमारा ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है। ये कटलेट हो गया, वेज कटलेट, ये दलिया है गैस, है ना, ये दलिया दिया गया है, ये ब्रेड वगैरह, ये सब बटर, यहाँ पर आपको फ्रूट्स प्लस टी कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर दलिया दलिया अपने को पैसेंजर्स के साथ बैठा हूँ, देखिए नहीं नहीं ब्रेकफास्ट अपना एंजॉय कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे ब्रेकफास्ट कैसा? मुझे तो वेजिटेबल्स नजर आ रहा है, मतलब मिक्स है ना, कोई एकदम लाजवाब नए तरीके से बनाया है, लाजवाब जैसे जर्दे में नहीं डलते वो क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर पूरी कलकन क्या कहते हैं उसको, लाल और क्या कहते हैं, ये है डाइनिंग कोच का मजा। और आपसे यही कहूँगा मजा आ रहा, बस यही है ब्रेकफास्ट करेंगे के साथ। अच्छा अच्छा, क्या ट्रेन फर्स्ट क्लास चल रही है, जितना भी आप देख रहे हो सब कुछ कितनी अच्छी बनाई है, फुल फ्रेश फैंट्री कार कोच में बनाया जा रहा है, देख के मजा आ रहा है, खाना खा के कितना मजा आएगा, वो भी बहुत अच्छा। अच्छा मुझे जो है मुइन सिद्धार्थ याद आ गया, वो भी एक व्लॉगर हैं बड़े अच्छे, और उनके भी जो व्लॉगिंग में जो है ना खाने बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, और उसमें फर्क क्या है? सही बात, जबरदस्त, सही बात, दो लोग अंकल को भी अच्छा लग रहा है, आराम से एक साथ जा सकते हैं, एंजॉय कर, बिल्कुल सही बात। ये कहना पड़ेगा जहाँ का जो स्टाफ है इतना हम्बल, इतना पोलाइट, ज्यादातर एजेड लोग नजर आ रहे हैं, 6 बजे ओल्ड सिटीजन है। हाँ, कोच में। अच्छा देखें पूरी दुनिया में ओल्ड सिटीजन ही टूरिज्म के लिए जाते हैं, टूरिस्ट के लिए जाते हैं, क्योंकि जब वो बंदा 50 साल का हो जाता है तो उसका दिल चाहता है कि मैं कहीं घूमने फिरने, बस यही है टूरिस्ट। आजमा के देखिए सर क्या कहा है, थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे हमारी डेस्टिनेशन, अब आपसे जल्दी मुलाकात हमारी वही होगी, ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। हाँ दादा दीजिए ना चाय कॉफ़ी, ये जो माहौल है ना इसको एंजॉय कीजिए, यादें बनाइए, किस्म के खाने जो आपको दिल चाहे वो ले लीजिए। दो तीन ऑप्शन है, ये नहीं कि एक ही चीज़ खाना है सबने, 3-4 ऑप्शन तो नज़र आ रहे हैं इस माहौल में, ये दोस्तियाँ बहुत होती है ना जी, एक से एक लोगों से बंदा जुड़ता है। शुरुआत की थी कल शाम को 6:30, नाउ इट इज 10:30, और हमारी गरवी गुजरात पहुंची है विश्वामित्र जंक्शन। अब यहां से आगे कहां जाएंगे, क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, व्लॉग नंबर 2 आपको देखना है, सफ़रनामा चल रहा है, क्या जर्नी चल रही है, ठीक है। व्लॉग नंबर 1 होता है ख़त्म, कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ आपको आगे दिखाया जाएगा, मेरी व्लॉग नंबर 2 आगे की कहानी मेरी जुबानी। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज, आपसे आगे मुलाकात होगी, सब पैसेंजर्स उतरेंगे, पूरी कहानी देखिएगा आगे। ये हो गया विश्व मेरी जुबानी, गुजरात का आप कह लीजिए बड़ोदरा, ठीक है, मिलते हैं चल। वाह भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, मैंने आपने देखा इतनी ज़बरदस्त चटनी, और क्या
डॉलर्स ने क्या क्या चीज़ें दिखाई और ज़बरदस्त खाने और जो स्टाइल है इनका और वहाँ के जो रेलवे मिनिस्टर उन्होंने आके जो है इसका जो है उद्घाटन किया और आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग की है और टॉयलेट्स के लिए कितनी सहूलत दी है और डाइनिंग जो हाल था वो कितना ज़बरदस्त था। अच्छा वहाँ पे जो जितने इंतजाम थे ना किसी जहाज से कम नहीं थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जहाज में बंदा ट्रैवल कर रहा है, फील ही नहीं हो रहा था कि आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि ट्रेन के हवाले से जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है ना बहुत डीग्रेड में आ जाता है और हम तो अपनी ट्रेन की तरफ चले जाते हैं ना, हमारा माइंड उस तरफ चला जाता है, तो इतनी सारी जब चीज़ हम एक साथ देख रहे होते हैं वो भी ट्रेन में तो बहुत शौक होते हैं कि यार ट्रेन में भी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक सरप्राइज था, सरप्राइज है बल्कि उसकी देखें ओल्ड सिटीजन तो लाजमी दिल चाहता है कि हम घूमें फिरें और इस ट्रेन में वही लोग थे रामायण में जो थे, यानी कि पहले भी उन्होंने वो सफर कर जो लोग जाते रहते हैं ट्रैवलिंग करते रहते हैं, बस तो इसमें यह था कि कमेंट्स अगर जो यात्री थे उनके कमेंट्स भी ले लेते ना तो पता लगता कि भाई हमने पहले जो सफ़र किया था और इस सफ़र में क्या फ़र्क है, लेकिन इन्होंने बताया कि जितनी भी अभी बातें हुई हैं तो उसमें रामायण का जो एक्सपीरियंस थी उसके हवाले से इन्होंने बोला कि वो तो मैं भूल ही नहीं सकता, वो बड़ी अच्छी वो याद आ जाती है, वो चीज़ें वही ट्रैवल याद आ जाती। हाँ और जो जो वर्कर हैं वो बड़े सपोर्टर हैं और हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं और हर चीज़ को जो है ला ला के दे रहे हैं कि डोर टू डोर जाकर ना कि भाई आप उड़ सुबह सुबह उठाने के लिए दादा पहुंच गए उनके। और ये देखें कि फूड वगैरह कितना जबरदस्त, कितना साफ सुथरा, क्लीनिंग और वो जो जिस माहौल में वो उनको प्रिपरेशन दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, वो माहौल कितना अच्छा था। देखो ना कि चादरें बिछी हुई हैं, एक बंदा ज़्यादा जाके इतनी अच्छी लोकेशन को देख के तो वैसे ही थकावट उतर जाती है। अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि जबरदस्त नींद आएगी ना, पुरसकून। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग भी कभी बाहर ट्रैवलिंग के जा रहे हो तो किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं, किसी होटल जाते हैं खाना खाने, अगर वहाँ का माहौल साफ सुथरा नहीं मिलता तो खाना खाया नहीं जाता, लेकिन ट्रेन में वो जो माहौल था ना पुरसकून और साफ सुथरा तो बंदा तो दिल भर के खाएगा, डबल खा लेगा खाना। अच्छा जब ये ट्रेन स्टार्ट हो रही थी तो वहाँ नाच गाने भी चल रहे थे काफी सारे, रवाना किया और इनकी जो है सेकंड वीडियो भी आएगी तो उस पर भी हम अपने जो है ना वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल सेकंड वीडियो पर भी हम रिएक्शन करेंगे। जबरदस्त तरीके से इन्होंने व्लॉग बनाए और जो जो लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे तो हर चीज की वो तारीफ कर रहे थे, ये भी चीज अच्छी, ये भी चीज अच्छी, और मेन्यू भी बहुत जबरदस्त। ये देखे कि वो हेल्दी फूड दे रहे थे, हाँ मैं तो उसको अंडा खिला था, रसगुल्ला था वो, रसगुल्ला था और वो जो दलिया था वो किस तरह का था, अपने वो वेजिटेबल था या अपना और भी बहुत स्वीट था या छोटी चीजें नजर आ रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब टेस्टी लग रहा था मुझे, बहुत मुझे भी देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था, टेस्टी क्योंकि टेस्ट तो आप लोगों ने किया और जो लोग उस गाड़ी में जिन्होंने ट्रेन सफर किया तो उन्होंने जो है उन्होंने उसको टेस्ट भी किया होगा, बल्कि जिन्होंने ये व्लॉग बनाया डुलेश अपने कमेंट्स से भी बता सकते हैं हमारी वीडियो वो भी देखते होंगे, जब हम आपकी वीडियो देखते हैं तो आपको भी चाहिए आप हमारी भी वीडियो देखें और हम आपके बारे में क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं ये अपनी कमेंट से जरूर आगे करिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप व्लॉग बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दो चार व्लॉगर हैं सिमल जो कि फेमस हैं, मोइन सिद्धार्थ वो भी बड़े अच्छे व्लॉगर हैं और ये डुलेश तो इन्होंने तो अपना इतनी व्लॉगिंग की है कि अपना नाम हमें याद करा दिया, बोलते नहीं है क्रूज की एक हमने वीडियो की थी उसमें भी बड़ा ये आगे आगे थे, दो तीन वीडियो तो इनकी ऐसी कि हम बोलते नहीं है, कोशिश करेंगे तो इनकी वीडियो को जो है कंटिन्यू करें और आप लोगों को काफी सारा क्योंकि ये हमें दिखाते हैं और पूरी ऑडियंस को जो है वो भी बहुत सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के पब्लिक के लिए आपके लिए लेकर आते हैं, इन्हें ये पता होता है कि लेटेस्ट न्यूज क्या है, लेटेस्ट न्यूज क्या होने वाला है, हाँ वो भी पता होता है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर कुछ होने वाला होता है ना तो इनको पहले कॉल कर देते हैं, पहले होने वाला है आप अपनी तैयारी करो, तो ये अपनी उसी प्लानिंग या फिर इनकी सर्चिंग इतनी अच्छी होती है कि हर उस चीज के पीछे होते हैं जो होने वाला होता है, क्योंकि अभी देखिए रेलवे के मिनिस्टर ने थप्पी दी है तो कोई वजह तो नहीं है, जान पहचान बढ़ गई है और ताल्लुकात बढ़ चुके हैं, तो अब जब कभी भी कोई रेलवे की कोई नई जर्नी स्टार्ट करने वाले होंगे या कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले होंगे तो इनको पहले कॉल आ जाएगा और काफी सारे इनके
ताल्लुकात हो गए और हर जगह पर जो है ये नज़र आते हैं। कुछ ऐसी भी प्लानिंग होती थी जैसे इन्होंने कहीं दुबई का टूर करना है या किसी और कंट्री का टूर करना है, अभी हाल ही में कहीं गए हुए भी थे। तो आप अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा हो तो ये अपना प्रोग्राम जो है ना पोस्टपोन करेंगे कि नहीं भाई पहले मैं अपना देश की जो है चीज़ों को दिखाऊंगा फिर उसके बाद बाहर जाऊँगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका व्लॉग था और बड़ा अच्छा लगा, और ऑडियंस से भी हम कहेंगे कि भाई आप लोग हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और हमारी कोशिश भी होती है कि हम आपको इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाएं, उस पर हम तबसरा करें ताकि आपको अच्छा लगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शमू भाई और ये अपना प्रजापति और राजू सोलंकी, तो इनको भी हमारा सलाम कि काफ़ी हमें जो है ना ये अपनी कमेंट से आगाह करते हैं, और वकास हर वीडियो में जो है हमें जो है अपने कमेंट से आगाह करते हैं और गैस भी। जी दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। जी हाँ बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।